you know, these kind of figurines. Normally, I don't know why. Okay. I kind of broke it. ये officially टूट गया, ठीक है ना? Planet Popo. Well, hello there. What time it is? Well, it's indeed. It is Popo time. Welcome back to a new episode of Popo's Limited Editions. और well, नया साल है. और नया फिगरीन है. आई होप आपका नया साल यू नो आपको ढेर सारी खुशियाँ लेके आए. विद दैट होप लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं. तो आज हम कवर करेंगे आयन स्टूडियो का मार्शन द मैन हंटर. शुरू करें. So guys, इस एपिसोड में हम बात करेंगे या कवर करेंगे मार्शियन मैनहंटर. ये एक डीसी कॉमिक का कैरेक्टर है. मेरे हिसाब से काफ़ी अंडररेटेड कैरेक्टर है. दिस फिगरीन मैंने रिसेंटली एक्वायर किया है. तो एक्चुअली नॉर्मली जब मैं फिगरीन्स कमीशन या ख़रीदता हूँ, इंटरनेशनल स्टूडियोज़ में जाके, उनके वेबसाइट में जाके ख़रीद के एक दो साल रुक के उसके बाद मुझे डिलीवरी मिलती है. बट I recently found out that इंडिया में भी हम buy कर सकते हैं. Actually मैंने ये Fat Cat Collectibles से buy किया है. FatCatCollectibles.com पे जाके आप actually ऐसे figurines जो मैं collect करता हूँ, बड़े statues collect करता हूँ, you can also go and buy that. Indian based company है जो licensed. He's got all the license of whatever studios you want. This is an Iron Studio collectible. He already has that license. So I think बहुत ही ज़्यादा easy हो गया. Just go there. And you can one by it. Okay, so अभी बात करते हैं मैनहंटर का. सो बॉक्स के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे 1/10 लिखा हुआ है. ओके, सो इट्स बेसिकली बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि अगर जैसे आप चाइनीज़ खाते हो, चाइनीज़ खाने में जब 1/2 करते हो तो एक ही पोर्शन का दो पीस होता है, बराबर है. सो नाउ थिंक कि अगर ये लाइफ साइज होता तो इसका उसका 10 का साइज क्या होता. मतलब अगर 1 इज योर लाइफ 100%, उसमें से 10 पार्ट कम करके इज वॉट 1/10 स्केल का मतलब होता है. अलग अलग स्केल में स्टैचूज बनते हैं, 1/10, 1/4, 1/6. सो साइज पर डिपेंड करता है. सो अगर ये लाइफ साइज होता है, उसका 10वां पार्ट बनाया है. मतलब 1/10 ऑफ द साइज ऑफ द फिगरीन दिस इज. सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉक्स. इंटरेस्टिंग बॉक्स. अगेन आयन स्टूडियो का लोगो है ये. दैट्स आयन स्टूडियो. लास्ट टाइम मैंने आई थिंक साइड शो कलेक्टेबल से का वीडियो और अदर फिगरीन कवर किया था. आयन स्टूडियो इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडियो. बहुत अच्छा फिगरीन बनाते हैं. दिस इज द फिगरीन विच विल असेंबल नाउ. मेरा फेवरेट पार्ट ये डब्बे का ही है. ओके, इट्स अ साइड प्रोफाइल ऑफ द सेम फिगरीन. सो खोलना शुरू कर दें. या सो गाइज, मैंने बॉक्स को खोल के बाजू में रख दिया. नाउ लेट्स ओपन दिस अप. ओके, ओके. सो छोटा है थोड़ा सा ये. लाइक आई सेड 1/10 का स्केल है. तो 1, 2, 3 और आई थिंक 4 पीस दिख रहे हैं. तो एक काम करता हूँ, मैं भी इसको बगल में रख के इसको असेंबल करना शुरू करता हूँ. या सो गाइस, सबसे ज़्यादा डर मेरे को यू नो अनबॉक्सिंग के टाइम ये रहता है, वापस से पैक कैसे करूँगा. बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अभी आपने अगर वो देखा होगा ये अभी मैं भूल गया हूँ ये कहाँ पे लगेगा जब मैं बॉक्स करने जाऊँगा. बट एनी वेज, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, दैट्स द केक. ये बेस है और ये उनका उसका बॉडी है. That's the packing. तो बेस से शुरू करते हैं. सो नॉर्मली आयन स्टूडियो ऑलवेज क्लेम करता है कि वो भी लिमिटेड एडिशन है.
बट नॉर्मली इट्स जस्ट कॉल्ड आउट कि लिमिटेड एडिशन है, बट क्या क्या नंबर है, क्या लिमिटेड एडिशन का नंबर है, वो नॉर्मली लिखा नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा बेस है ये, okay? अगर आप देख सकते हो तो। एंड मैं डिटेलिंग दिखाने के लिए आप लोगों को दैट्स द बेस। अभी नेक्स्ट लगाते हैं इनका बॉडी। सो लाइक मैं कह रहा था कि बहुत ही अंडररेटेड सुपर हीरो रहा है ये, ओके। जॉन जोन्स ऐसे उसका नाम है इसका, ऑफ कोर्स मार्शियन है। और एक्चुअली गलती से वो अर्थ पे आ गया था। एक उसकी कॉमिक में है कि साइंटिस्ट वाज जस्ट एलियन टेक्नोलॉजी कुछ तो रेडियो में मस्ती कर रहा था और ऑटोमेटिकली भाई साहब को टेलीपोर्ट करके वो अर्थ पे लेके आता है। सो दैट्स दी बैक स्टोरी। मैन हंटर बेसिकली एक टाइटल है, मार्शियन है तो वहाँ पे वो पुलिस था। तो मार्शल दी मैन हंटर इज इक्विवेलेंट टू पुलिस ऑफिसर देयर। एंड जब ये इधर आया, मतलब अर्थ पे आया, उसके बाद ये डिटेक्टिव सर, यू नो आई मीन इसके सुपर पावर्स में आगे बताता हूँ। मैं अब स्टक हो गया हूँ तो मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड करके इसको मैं निकाल दूंगा। सो ऑल राइट गाइस, मैं एक्चुअली आई वाज एबल टू गेट दैट थिंग आउट। इसको डालते कैसे ही लगा सर आजकल। ओके तो अटक गया भाई, रुक जाओ। ओके सो आई सेइंग कि ये अगेन जो की होल है, ओके, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट यू नो these kind of figurines. Normally, I don't know why. Okay. I kind of broke it. That's the overall body. ये रहा जहाँ पे पूरा टूट गया हो। अरे यार, I cannot believe it. I did this, यार. जिम जाने के बाद भी ऐसा नहीं मिलता। I love this. Let's hope that this stays like this. Okay, where was it? उधर एक कीहोल था, उसमें अभी ये लगा तो दिया मैंने। Okay. ये उसका कीहोल था। सो टेक्निकली दिस इज काइंड ऑफ ब्रोकन नाउ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, ये वाला एक छोटे से पॉइंट से लटकता है। डिटेल्स देखिए इसके ऊपर। दैट इज द केप, ये ऑलमोस्ट मेरे हाथ जितना है। अगेन केप के लिए भी Look at this portrait. That's the amount of work they put in here. इसी के वजह से ये चीज, wow, this is so beautiful. Thank you, N Studio. There you go. अभी मैं फुल रिक्स लेके ट्राई करने वाला हूँ। तेरे पास कोई और रास्ता है?
आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं इसको बट मोर और लेस इट्स ब्यूटीफुल यार आई लव द क्रिएटिविटी सो गाइस मेरे हिसाब से लाइक आई सेड ना कि मार्शियन इज द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर इन द होल दिस यूनिवर्स बिकॉज एक ही बंदा है जिसके पास बहुत सारे सुपर पावर्स हैं एंड ऑलमोस्ट ये सुपरमैन को भी भेज सकता है ही इज दैट स्ट्रॉन्ग सो थोड़े से उसके सुपर पावर्स बेसिकली शेप शिफ्टर है शेप शिफ्टर मतलब इच्छाधारी वो इच्छाधारी नागिन होती है ना जैसे वो बेसिकली शेप शिफ्टर मीन्स यू नो अपने इच्छा से कुछ भी चेंज कर सकता है सो नॉर्मली वो ऐसा रहता है बट जैसे डिटेक्टिव बन जाता है वो नॉर्मल ह्यूमन हो जाता है सो दैट्स दैट ही कैन फ्लाई टेलीपैथी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है मतलब गो एंड सर्च फॉर मार्शियंस सुपर पावर्स और आपको मोर और लेस इक्वल वैल्यू मिलेंगे जो सुपरमैन के बट आई गेस और ये हमेशा बैकअप या बैक स्टोरीज में ही रहा है मतलब अगर जस्टिस लीग है फाइनली जस्टिस लीग की वजह से उसको फाइनली थोड़ा मार्शियंस को मार्शियन द मैन हंटर को जानने लगे बट अभी तक आई थिंक बहुत ही कम हिज ओन टाइटल कॉमिक्स है बट सो दैट्स द रीजन आई गेस इट इज ही इज बाय फार द मोस्ट अंडररेटेड सुपर हीरो एटलीस्ट इन द दिस यूनिवर्स सो हम सबका फेवरेट ये एक लीटर का बॉटल है और अभी 1/10 का स्केल आपको समझ रहा होगा ये ऑफिशियली टूट गया ठीक है ना मेरा कोई नाम बुरा लग रहा है ना नहीं टूट गया दिस इज माई फर्स्ट मार्शियन यार दिस इज माई फर्स्ट बहुत जैसे आई थिंक मैं लास्ट एपिसोड में बोला कि यू नो दीज थिंग्स आर वेरी रेयर एंड आई कांट इवन फिक्स दैट नाउ थैंकफुली वो छोटा सा स्क्रू में बंधा हुआ था बट That's how it is. Let's do some close-up and I think let's wrap it up. गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार व्यूज़ देके मत निकलो यार सब्सक्राइब तो कर दिया करो मोर वीडियोज़ कमिंग थैंक यू सो मच हैव अ लवली ईयर अहेड थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लैनेट पोपो